जरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइस, आज हम आ चुके हैं पार्ट 3 में। जैसा कि गाइस आपने देखा कि हम एक लोकेशन पर गए थे जिससे सजेस्ट किया था मेरे जो दोस्त है शाहरुख, उसने सजेस्ट किया था। और उस लोकेशन पर हम गए थे तो आपने देखा था कि शाहरुख की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी। अब गाइस उस जगह पर क्या था क्या नहीं था वो अभी तक हम क्लियर नहीं कर पाए। रीज़न ये कि शाहरुख की तबीयत ख़राब हुई, फिर अचानक से जैसे ही उस जगह से हम निकल गए तो वहाँ से फिर जो शाहरुख थोड़ा मतलब कहते हैं ना बीपी लो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए। फिर डॉक्टर ने जैसे यही बताया कि उसकी थोड़ी बीपी जो है वो लो थी और थोड़ा जो है अनकॉन्शियस वो जो है हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ी सी उसको मेडिसिन देने के बाद वो एकदम से ठीक हो गया, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिर हमें जो है उस चीज़ का जो है पर्दाफाश करना, क्या कि वो चीज़ वहाँ पर है क्या, तो इसके लिए हमें बाबा जी की जो है वो सहूलियत लेने की बाबा जी से पूछना होगा कि आखिर वो मसला क्या था और क्या नहीं था। और अगर ऐसा होगा तो उस आत्मा को भी हम जो है यहाँ पर बुलाने की कोशिश करेंगे। तो मैंडी सर आज हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हमारे साथ है, मैंडी भाई और मोनू। तो मैंडी भाई, आपको बाबा जी आए तो यही पूछना है, क्योंकि मैंडी भाई तो शायद नहीं थे ना उस दिन। अच्छा, आप नहीं थे यहाँ तो पूरा मसला तुम्हें पता है ना कि शाहरुख भाई की तबीयत क्यों खराब हुई थी और वहाँ से जो है हम आखिर वहाँ पर क्या मसला था वो मोनू भाई तुम्हें बताना, और मेंडी भाई आपको बाबा जी से जो भी है वो सवालात करने हैं। मोनू भाई आप मेंडी भाई को बताना, मेंडी भाई जो है पूछ लेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम बाबा जी को बुलाने की कोशिश, आपको पता है कि दोस्तों के अभी जो है वहाँ से एक मिट्टी लाने का बोला तो वो मिट्टी पड़ी अपने बैग में, तो क्या करूँ उसका मिट्टी। हाँ वो मिट्टी लाई थी वो। हाँ वो मिट्टी ले आओ, मिट्टी लेके आ जाता हूँ ना, मिट्टी ले आओ बैग में ही अपने। हाँ ले आओ। तो गाइस वहाँ से मिट्टी भी लाई थी हम, तो मिट्टी भी मेंडी भाई बाबा जी को आपको मिट्टी बताना है कि ये जो मिट्टी वहाँ से हम गए थे ना, वहाँ से हमने मिट्टी लाई थी। लेकिन वहाँ पर जैसे जाते वक्त कुछ शाहरुख के ऊपर कुछ ऐसी परेशानी हुई थी। किस तरफ कहाँ गए थे हम? यहाँ पर शाहरुख भाई करके है, तो वो डेली अच्छा। वहाँ पर रास्ते में आते हैं, वहाँ पर उनको कुछ ऐसा फील हुआ तो एक बार उनकी गाड़ी पंचर हुई तो उनको ऐसा लगा कि वो उनके पीछे थी। फिर हम उस लोकेशन पर गए तो एक बार तो मोनू अनकॉन्शियस होकर फिर शाहरुख पर उसने अटैक किया, तो हम आ गए और हम वहाँ से मिट्टी लेकर आ गए। अब मिट्टी लेकर आए तो वो मिट्टी बाबा जी को दिखानी है, तो भाई बाबा जी इस मिट्टी को हम लेकर आए उस जगह से, आप बताइए कि वो मसला क्या था। तो बाबा जी आपको जैसे बताए वो फिर आपको मुझे बताना, और बाबा जी को बोलना कि जो भी मसला है बाबा जी अगर वो मिट्टी वहाँ से लाते, अगर वो आत्मा को, अगर बाबा जी उस आत्मा को बुलाते हैं तो आपको ये पूछना कि भाई वो क्या चाहती है वो आत्मा की, जिसकी वजह से वहाँ पर वो भटक रही है और लोगों को परेशान कर रही है। तो उस आत्मा को क्या हॉन्टेड रोड है जी जी, किसी पे भी अगर उसका प्रभाव होता तो उसकी तबीयत वगैरह खराब होती जी 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 जी, अक्सर वहाँ पर लोगों को दिखती है। तो हम वहाँ गए थे और उस आत्मा को अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी दिलाएंगे, लेकिन जो भी मसला वो अभी। तो गाइस मिट्टी जो है वो मोनू भाई बैग शायद मेरा वहाँ पे पड़ा होगा, नहीं तो पॉलिसी में हाँ फिर चेक करो। उसके बाद शाहरुख भाई के साथ पहले मोनू अनकॉन्शियस हो गया था, फिर उसके बाद शाहरुख भाई की तबीयत ज़्यादा खराब हो जी जी जी, ऐसे कुछ मसला हुआ था। तो आपको बाबा जी को प्रॉपरली जो लें यहाँ पे रख दीजिए। तो गाइज ये वो मिट्टी है जो कि हमने वहाँ से लाई थी। तो मोनू भाई उसको ना थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, बाबा जी जब आए ना तब उनको इस रिलेटेड बात करनी, ठीक है मैडम? ओके। चलिए गाइज अब जो है बाबा जी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते, देखते हैं कि कांटेक्ट हो पाता है या नहीं, और होता है तो आपको ये सवाल करना ध्यान रखना क्योंकि शाहरुख नहीं है। और आपको पता है दोस्तों शाहरुख बिजी रहता है, आज भी वो किसी शो या इवेंट में गया हुआ है। तो अच्छे से पूछना आप, और मसला आपको पूरा पता है, मेहंदी भाई अपने साथ नहीं थे। नहीं नहीं मैं बता दूंगा, समझ गया ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ना। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम, बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो मेरे शरीर में आइए, या फिर अपने खलील बाबा को भेजिए, क्योंकि उस मसले के लिए हमें आपसे कुछ बात करनी है। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम, याल मखदूम याल मखदूम
याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप या तो आप आइए मेरे शरीर में या खलील बाबा को भेजिए, हमें उस मसले में बात करनी है कि आखिर वहाँ पर मसला क्या था और कौन सी ऐसी बुरी बला जो लोगों को परेशान कर रही है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुक्म मेरे आका, तशरीफ रखिए, बैठिए मेरे आका। हुक्म मेरे आका, हुक्म जी आका। आज का मसला आपके सामने पेश करता हूँ मेरे आका। जैसा कि ये बच्चे जिन्होंने आज हमें याद किया है, तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे मेरे आका। हुक्म मेरे आका, हुक्म की तामील होगी, मसला पेश किया जाए। जी बाबा जी। बाबा जी जो शाहरुख भाई है, तो वो क्या वैसे उनके कार का काम है, तो वो वहाँ से एक हमारे आसपास मतलब गांव से आसपास एक गांव है, तो वहाँ पे वहाँ से वो रात को आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी वहाँ पे पंचर हो गई थी, तो उनको वहाँ पे कुछ ऐसा मसला लगा, तो वो आए थे हमारे शराफत भैया के पास और हमारे पास आए थे और हमें बताया कि वाह मुझे रात को ऐसा कुछ महसूस हुआ या उनको कुछ कुछ उनको ऐसे कुछ चीज़ लगी, तो वो चीज़ हमें बताई। तो फिर एक बार मैं और गुरुजी और मैं और शराफत भैया हम दोनों गए थे वहाँ पे, तो वहाँ जाने के बाद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो हम तुरंत वहाँ से निकल गए थे। तो फिर दूसरे टाइम सेकंड टाइम हम मैं और शराफत भैया और शाहरुख भैया हम फिर से गए थे वहाँ देखने के लिए कि ऐसा कुछ है या हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो इसलिए वो कंफर्म करने के लिए हम सब गए थे साथ में। तो वहाँ जाने के बाद रात को कुछ ऐसा हादसा हुआ हमारे साथ, वो शाहरुख भैया की ऑटोमेटिक ही तबीयत खराब हो गई और उनके साथ क्या पता क्या हुआ, और फिर हम वहाँ से निकल गए थे बाबा जी। तो ये मसला है, तो इसके बारे में हमें कुछ जानना है बाबा जी कि ये क्या चीज़ है। तो वहाँ से हम ये मिट्टी भी लेके आए बाबा जी। बाबा जी ये मिट्टी है वहाँ की बाबा जी। जो हुक्म मेरे आका, हुक्म की तामील होगी, जी मेरे आका। आप इस मिट्टी को गौर से देखिए और इस मिट्टी की महक से जो मुझे एहसास हो रहा है उसे एहसास कीजिए मेरे आका। हुक्म मेरे आका। हुक्म की तामीर होगी, चपेटे वाले बाबा चाहिए और इस मिट्टी का एक कण आप लीजिए और देख कर आइए और उस आत्मा को, उस बला को, उस मखलूकात को हमारे सामने, हमारे आका के सामने पेश कीजिए। इस मिट्टी की खोल दे जी बाबा जी, इस थैली को खोल दे। चपेटे वाले बाबा इसको लेकर जाएंगे, इसमें से मिट्टी का एक कण लीजिए और उस रूहानी, अगर हुक्म मेरे आका, हुक्म चाहिए और उस बला को यहाँ पर लेकर आइए मेरे आका के सामने, चाहिए इजाजत है।
बंद कर दे इसको, मेरे आका जी, मेरे आका, जैसा आप समझ रहे हो बिल्कुल मेरा भी अंदाजा उसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस मिट्टी की महक से लग रहा है कि जैसा आप सोच रहे हो, जैसा मैं सोच रहा हूं, वैसा ही कोई पेचीदा मसला है जी मेरे आका। अभी चपेटे वाले बाबा कहे उस मखलूकात को यहां पर पेश करेंगे, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मेरे आका। आइए तशरीफ रखिए, बताइए क्या पेचीदा मसला है वहां पर जी। जी जी क्या आप उस मखलूकात को यहां पर लेकर आ सकते हो जी? कहना कि जिन्नतों के सरदार अल मक्तूब बाबा ने उन्हें बुलाया है, चाहिए उन्हें यहां लेकर आइए, मेरे आका का नाम लेकर उसको यहां पर लेकर आइए, चाहिए जी आका। जैसा कि चपेटे वाले बाबा बता रहे हैं, मसला 100 साल पुराना है। वहां पर कोई औरत जो है उसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन उसका बच्चा जो है वो आज भी वहां पर मरने के बाद भटक रहा है। उस माँ को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उस बच्चे को अभी तक जो है मुक्ति नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो माँ वहां पर आने वाले को परेशान करती है। उसे डर है कि कहीं उसके बच्चे को कोई गाड़ी वाला मार ना दे, क्योंकि माँ का दिल होता है मेरे आका, उसका दिल रोता है कि कहीं उसके बच्चे को कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के ना मार दे। उस नादान को यह नहीं पता है कि वो जो ये दुनिया छोड़कर रुखसत हो चुका है, लेकिन उसकी मुक्ति अभी तक नहीं हो रही है मेरे आका। इसी मसले में वो माँ वहां पर आने वालों को परेशान करती है। आका उसका यही मसला है कि वो बस किसी को वहां पर देर रात तक वहां पर आने जाने नहीं देती, लेकिन उसने आज दिन तक कभी कोई नुकसान या किसी की जान पर नहीं आई है। सिर्फ वो यही चाहती है कि उस रास्ते पर वो कोई गाड़ी ना आए। हुक्म मेरे आका, हुक्म। आइए चपेटे वाले बाबा, तशरीफ लाइए, ले आए उस मखलूकात को, आइए बैठिए हमारे सामने, पा पा अदब बैठिए। पहले तो सबसे पहले ये जो तुम कर रही हो, चिल्लाना, रोना, गुस्सा करना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे आका का हुक्म है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए, वरना तुम्हारी मैं खाल खींच देता। हुक्म मेरे आका, हुक्म। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं मान जाओ, तुम्हें कह रहा हूं मान जाओ, ये हाथ पैर यहां नहीं आका,
इजाजत दीजिए, इसकी खाल खींच दूंगा मैं। चपेटे वाले बाबा, अगर इज्जत से मान जाए तो ठीक है, वरना इसके दो चपेटे लगाओ। इसको ये नहीं पता कि ये किसके सामने घुसपैठी कर रही है। मारो, ऐसे नहीं मानेगी ये, इसको मारो मारो। और चिल्ला, चिल्लाने का बहुत शौक है तुझे ना, और चिल्ला, मैं भी देखता हूं कितना चिल्लाती है तू। चिल्ला और मारो इसको। आका रुक जाओ, मेरे आका का फरमान है। अब बता, इज्जत से बता, आखिर तेरी जो है कहानी पूरी समझ गए मेरे आका कि तू वहां पर लोगों को क्यों परेशान कर रही है। अब तू ही बता, क्योंकि मेरे आका हर उस बला को, हर उस आत्मा को जो है तवज्जो देते हैं, पहले उनकी सुनते हैं कि वो क्या चाहती है। और अगर तू ये समझती है कि तू कुछ भी करेगी तुझे मैं करने दूंगा, तो ये तेरी गलत फहमी होगी। अच्छा, आका अब आप ही बताए क्या करूं मैं इसका। नीचे अपनी गर्दन नीचे, तू शायद मेरे आका को जानती नहीं है। अगर जानती ना तो ये गुस्ताखी नहीं करती। ये तो मेरे आका ने मुझे रोक रखा है, वरना टैटू दबा देता तेरा मैं। बता बता जल्दी से बता, वरना तुझे यहीं पर चला के खाक कर दूंगा मैं, क्योंकि तू मेरा गुस्सा नहीं जानती अभी तक। सारे बार नोच दूंगा मैं तेरे। बता सीधा बैठेगी, बैठेगी सीधा, सीधा बैठ, बदतमीजी नहीं मेरे सामने। जी आका, चल अब तू बता। अच्छा, तो अब तू कहेगी वैसा हम करेंगे ऐसा। आका गुस्ताखी माफ, बस साथ बोल रही है कि उस रोड पर मैं किसी को आने नहीं दूंगी, और अगर तुम उस रोड को वहां से बंद करवा दो तो मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जी आका, जैसा आपका हुक्म। सुन अब मुझे तू ये बता, तू प्यार से मानेगी या मैं अपने वाला काम करूं? रख अपनी शर्तें, तेरे बच्चे को मुक्ति मिल जाएगी। मुझे पता है तू अपने बच्चे के लिए कर रही है ये सब, लेकिन नामकूल तुझे ये नहीं पता तेरा बच्चा जो है मर चुका है, उसने ये दुनिया छोड़ दी है।
तू ये क्यों नहीं समझ रही? तू एक माँ है, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन तेरे बच्चे को कोई मार नहीं सकता, उसको मुक्ति नहीं मिली, ये बात एक अलग है। उसमें मैं तेरी मदद करूंगा, तेरे बच्चे को मुक्ति मिलेगी और वो तेरे साथ खेलेगा जहां तू रहती है, वादा करता हूं तुझसे। तेरे बच्चे को मुक्ति मेरे ये बच्चे दिलाएंगे और इसमें इनकी मदद मैं करूंगा, मेरे आका करेंगे। ठीक है, मेरी बात सुन। अब तू अगले 7 दिन तक वहां पर किसी को परेशान नहीं करेगी, वादा कर मुझसे। अगर तू ये वादा करती है तो मैं तेरे बच्चे को मुक्ति दिलाकर तेरे साथ हमेशा के लिए जहां तू रहती है वहां छोड़ दूंगा, या मेरे आका के कबीले में तेरा इस्तकबाल होगा। अब तू ही बता, तू क्या चाहती है? मंजूर है तुझे? तो मैं भी तुझसे वादा करता हूं कि तेरा बच्चा इन 7 दिन के अंदर अंदर मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, मेरे 40,000 मौकिल उस रोड पर पहरा देंगे आज से ही, और तेरे बच्चे के लिए वो हर इबादत करेंगे जिससे उसको मुक्ति मिलेगी, और मेरे बच्चों ये भी तेरी मदद करेगा उसको मुक्ति दिलाने में। लेकिन तू मुझसे वादा कर कि अगले 7 दिन तक तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे किसी और को परेशानी हो। ठीक है, मैं भी तुझसे वादा करता हूं कि मेरे ये बच्चे तेरे बच्चे को मुक्ति दिलाएंगे जरूर जरूर। इजाजत है चपेटे वाले बाबा, चाहे उसे उसी जगह छोड़कर आज जहां से लेकर आयो, लेकिन ध्यान रहे कि अपने वादे से मुक रहना। जाओ, इजाजत है। हुक्म मेरे आका, आका हुक्म की तामील होगी। ये अपने को जी मेरे आका, आका ये अपने बच्चे को जो है जी मेरे आका, हुक्म मेरे आका, हुक्म हुक्म मेरे आका, इस बच्चे की जहां पर एक्सीडेंट हुआ था जी बाबा जी, वो गाड़ी आज भी उस पुल के नीचे पूरी जर्जर अवस्था में आज भी मौजूद है जी बाबा जी। तुम्हें वहां जाना होगा और मेरे आका का नाम लेकर उस बच्चे को बुलाना होगा जी बाबा जी, और एक छोटी सी लाल मटकी जी बाबा जी, जिसके ऊपर तुम्हें लाल कपड़ा बांधकर जी बाबा जी, अंदर जी बाबा जी चावल जी बाबा जी, कंकु जी बाबा जी, ये सब डालकर उसे उस गाड़ी के ऊपर रख देना है जी बाबा जी, और मेरे आका का नाम लेना है जी बाबा जी, और उस गाड़ी का एक अवशेष तुम्हें लेकर आना है। जैसे ही तुम उस गाड़ी का कोई भी पार्ट लेकर आओगे जी बाबा जी, और वो मटकी वहां पर रख कर आओगे जी बाबा जी, वैसे ही वो आत्मा वहां से मुक्त हो जाएगी। फिर उसे मेरे आका उस माँ को और उस बच्चे को अपने कबीले में लेकर जाएंगे और दोनों को अच्छी जिंदगी देंगे जिससे वो लोग भी परेशानी से दूर हो जाएंगे
और इस बच्चे को भी मुक्ति मिल जाएगी और उसके माँ को उसका बच्चा भी मिल जाएगा। जी बाबा जी, तो हाँ बाबा जी, हम गए थे तब वहां पे मुझे ऐसा कुछ कार वार कुछ दिखा नहीं था। तो तुम्हें आगे 10 किलोमीटर जाना था। जी बाबा जी, वहां जाने पर एक पुल आएगा। जी बाबा जी, उस पुल के जस्ट नीचे आज भी वो गाड़ी पड़ी है। जी बाबा जी, पूरी उसकी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन तुम्हें वो मटकी वहां पर रखनी है और उस गाड़ी का एक पार्ट कुछ भी लेकर आना है। जी बाबा जी, फिर वो बच्चा भी वहां से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा आज भी वहां पर उस गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है। इसकी वजह से उसकी माँ सभी को परेशान कर रही है। जी बाबा जी, ये काम करो इंशाल्लाह ताला, मेरे आका का हुक्म से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और उस बच्चे को भी मुक्ति मिलेगी और वहां पर लोग जो परेशान होते हैं, वो माँ जो परेशान करती है, वो भी दूर हो जाएगी। जी बाबा जी, हम ये काम जरूर करेंगे और इस काम को अंजाम देंगे इंशाल्लाह। मेरे आका इजाजत है, इजाजत है। मेरे आका चले गए हैं, अब मुझे भी इजाजत दो और ध्यान रखना, जो भी काम मैंने बताया है, मेरे आका ने बताया, उसे बड़े ध्यान से करना, मेरे आका का नाम लेकर काम करना। जी बाबा जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शरावत भाई बैठो आराम से। बीड़ी चल रही है क्या? हाँ, बीड़ी चल रही है। हाँ, वो बैटरी लो गई थी ना इसमें। हाँ जी जी जी। तो क्या बोला मोनू भाई? बाबा जी ने बोला माइक को ऐसे करो, ये आपके टच होगा तो। जी, तो बाबा जी ने बोला है कि वहाँ पे कुछ जाम हम गए थे ना, तो वहाँ पे समथिंग 10 अपन वहाँ से 10 किलोमीटर आगे थे। कहाँ पे? जहाँ अपन गए थे ना रात को। हाँ, तो वहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है। वहाँ कुछ पुल के नीचे कोई गाड़ी गिरी हुई है। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ से सबकी मौत हो गई थी। तो वहाँ एक बच्चा, उस बच्चे की आत्मा घूमती है, अच्छा अच्छा तो उसकी वजह से उसकी माँ सबको परेशान करती है। तो बाबा जी ने बोला है कि आपको वहाँ जाना है और वहाँ से एक मटकी ले, यहाँ से मटकी और एक लाल कपड़ा और चावल वगैरह उस ऐसा कुछ बोला है बाबा जी ने, वो डाल के तो उस गाड़ी में रखनी और वहाँ गाड़ी का एक पार्ट अपन को लेके आना। और उसके बाद तो मंडी भाई, मतलब क्या देखो, बाबा जी ने बताया कि शुरू में जो मामला जो ऑलमोस्ट लाइक 100 साल पहले का, अच्छा अच्छा उन्होंने बताया लगभग कि एक्सीडेंट हुआ था, तो एक माँ और बेटे जो थे उनकी मतलब डेथ हो गई थी, फैमिली भी शायद, तो जो है माँ को की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई। जी अब जो बच्चे की आत्मा है वो उस गाड़ी जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी पूरी बिखर जाती है ना, जी तो जी उसी कंडीशन में, और बच्चे की आत्मा जो है वो मतलब बच्चा उसी उसी कंडीशन में वही मर गया था, तो बच्चे की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। जी जी तो वो जितना भी एरिया है उस कवरेज में, उस बच्चे की आत्मा और उस माँ की आत्मा दोनों का मतलब बोलते हैं ना कंट्रोल है वहाँ पे, जी जी तो जी वो चाहते हैं कि उस सड़क पे कोई नहीं आए, या नॉर्मल जो है वो मतलब लोगों की एक्टिविटी होनी भी चाहिए, अगर एक इंसान आएगा उसको कुछ नहीं हुआ तो लोग डरेंगे नहीं, तो बाकी लोग आएंगे वहाँ पे, कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, पुल भी वापस बने, क्या पता वो गाड़ी वहाँ से हटा दे, तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तो बाबा जी ने बताया कि मतलब जो अलमक्तुम बाबा है उनका नाम लेके वहाँ पे एक मटकी जो है वो रखनी है, उसमें लाल कपड़ा चावल जो भी जरूरी चीजें वो सारी जी रखनी है, और उस गाड़ी की जो कंडीशन उसी कंडीशन में वहां रखना, वहां से एक पार्ट लेके आना, तभी उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और उस माँ को लगता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है, और अच्छा उसको अच्छा लगता है कि लोग उसको मतलब वो सड़क पे जाएगा कहीं तो उसको टक्कर मार देंगे, फिर वो मर जाएगा, अच्छा अच्छा लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता कि बच्चे की रूह जो है वो मतलब ऐसा लगता है कि वो जिंदा इंसान अगर किसी को दिखेगा तो, अच्छा अच्छा उसी अच्छा कंडीशन में वो वही घूम रहा है, सर्किल के बीच उनका पूरा लाइफ चल रहा है बस, अच्छा अच्छा उनकी अच्छा दोनों की आत्मा है बस, और वो किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते कि अच्छा अच्छा बस ये हमारी जगह और हम यहाँ रहेंगे, तो अपने को वहां पर जाना होगा। यूं वहां जाना वहां होगा जाना होगा। और ये मटकी रखनी होगी, और मतलब अलमुक्तम तो बाबा का नाम लेना होगा, उस तरीके से सब कुछ चीजें करनी अच्छा होगी। अच्छा अच्छा सो गाइज, मेहंदी भाई ने और मोनू भाई ने जैसे समझा उससे मुझे लग रहा है कि उस जगह पर हमें जाना था। बाकी मैं ये वीडियो जो है अपलोड होने के बाद या अभी देखूंगा पूरी के बाबा जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उस हिसाब से फिर हम जो है काम करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच योर बी लव यू।